आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर जाएं तो डबल मास्क पहनें, घर आकर नहाएं, बार बार हाथ धोएं और अपने आप को सेव करें, अपनी फैमिली को सेव करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोरोना के बाद जो हमारी स्किन साइड इफ़ेक्ट हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, रूखी स्किन हो जाती है, झुर्रियाँ हो जाती हैं, काले काले निशान हो जाते हैं, उसके लिए कुछ ब्यूटी हैक्स शेयर किए हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें कुछ जो घर पर ही सामान मिल जाता है उन सभी से मैंने बताया है कि अपने चेहरे को काले रंग को फिर गोरे में दोबारा से कैसे करें, कैसे अपने आप को सुंदर बनाएं कोरोना के बाद, कैसे इम्यूनिटी लाएं। तो घर में जैसे फ्रूट वगैरह खाते हैं, उनके छिलके होते हैं और घर मुल्तानी मिट्टी होती है, टमाटर होता है, नींबू होता है, इनो होता है, हल्दी होती है, सब कुछ घर की रसोई में होता है। उसी से मैंने ये ब्यूटी हैक्स की वीडियो शेयर की है। तो जैसे हमारी काली स्किन हो रही है तो टमाटर को लें, आधा काट लें, उसमें एक चुटकी थोड़ी सी हल्दी मिलाएं, थोड़ी सी तिल से थोड़ा ज़्यादा इनो लगाएं मिलाकर, और उस पर थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी या मलाई या थोड़ी सी दही मिलाकर मसाज करें। इससे हमारी ब्लैक जो ब्लेमिश हो जाती हैं, काले निशान हो जाएंगे, स्किन काली हो जाएगी, वो साफ और सुंदर हो जाएगी। दूसरा, कॉफ़ी पैक में शहद मिला लें और इसका पैक लगा लें तो भी हमारी स्किन बहुत सुंदर और ग्लोइंग हो जाएगी। पपीते से मसाज करें, पपीता को पीस कर उसमें मुल्तानी मिट्टी लगाकर पहले पपीते से मसाज कर लें और फिर पपीते को मिक्सी में पीस कर उसमें मुल्तानी मिट्टी पिसी हुई मिलाकर पैक लगा लें, उससे हमारा चेहरा बहुत ग्लोइंग हो जाए। पपीता से इम्यूनिटी होती है खाने के लिए और चेहरे को बहुत चमकदार बनाता है पपीते का फेशियल। खीरा, दोस्तों, खीरे से हमारे आँखों के जो ब्लैक सर्कल हो जाते हैं, आँखें ब्लैक ब्लैक लगती हैं, वो खीरे से बिल्कुल साफ सुंदर हो जाती हैं। तो खीरे के चिप्स लाकर आँखों पर लगाएं, खीरे को कद्दूकस करके मिक्सी में पीस कर या तो मक्के का आटा मिला लें या कॉर्नफ्लोर मिला लें या मुल्तानी मिट्टी मिला लें, जो भी घर में हो वो खीरे में मिलाकर पैक लगाएं और खीरे से ही मसाज करें। क्रीम से मसाज करें, क्रीम का पैक लगाएं जो घर में नेचर्स वगैरह की होती है। और दोस्तों, ये कोलगेट जो होता है इससे हमारे ब्लैक जो कलर होता है एकदम गोरा कलर हो जाता है। तो कोलगेट लें, इसमें थोड़ा सा चंदन पाउडर लगाएं, चंदन पाउडर मिलाकर पैक बनाकर इसे अपने चेहरे पर लगा लें। ब्लीच कर सकते हैं, लेकिन ब्लीच जब करें दोस्तों, जब हमारे पिंपल ना हो, हमारे कहीं कट ना लगा हो, एक्ने ना हो रहे हो, नहीं तो साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। ब्लीच से भी हमारा साफ और सुंदर कलर हो जाएगा, लेकिन फेशियल से पहले ब्लीच लगाएं जिससे इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट ना आए, फिर बाद में मसाज कर लें। इस वीडियो में मैंने मसाज करते हुए भी वीडियो शेयर की है कि मसाज कैसे करें। ये पपीता कसा हुआ है, मुल्तानी मिट्टी है, ऑरेंज से मसाज करें, ऑरेंज से मसाज करें, ऑरेंज को छिलके सहित पीसकर उसमें मुल्तानी मिट्टी मिलाकर उसका पैक बनाकर लगाएं। इस तरह से हल्के हल्के हाथ से आँखों पर मसाज करें, सारी आँखों की जो हमारी झुर्रियाँ होती हैं, रिंकल्स होते हैं, सब इससे मसाज से ठीक हो जाएंगे हल्के हल्के हाथ से। कभी कुछ रसोई में काम करते हुए आप पैक लगा लें, नहाते समय लगा लें। और दोस्तों, जब हाथों की हमारी डेड स्किन हो रही हो तो नहाते समय हम नहाने के बाद एक मॉइस्चराइज़र या सरसों का तेल लगें, थोड़ी सी मसाज कर लें हाथों पर, क्रीम तेल लगा लें या क्रीम लगा लें, फिर खूब सारा पानी डालकर नहा लें, फिर टॉवल से पोंछ लें, तो हमारी सारी डेड स्किन निकल जाएगी उससे। इस तरह से मसाज करें हल्के हल्के हाथ से। एक मसाज की तो मैं बहुत सारी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ और ये जो मैं बताया है वो सब मैंने थ्योरी भी दी है, तो आप लिखे हुए को देखकर आप आराम से घर पर आए से कर सकते हैं और अपने ब्लैक कलर को गोरा गोरा बनाइए। तरबूज खाइए, खरबूज खाइए, उनके छिलकों से फेशियल कीजिए, पपीता से फेशियल कीजिए। ये मैंने
वीडियो में ब्यूटी हैक्स शेयर किए हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुल्तानी मिट्टी मैंने घोली है दही में इसलिए घोली है दोस्तों कि जिसे सॉफ्ट रहे। अगर मुल्तानी मिट्टी अकेली पीस कर लगा सकते हैं जब ज़्यादा पिंपल होते हैं, निशान होते हैं, लेकिन वो जल्दी से क्रैक हो जाती है स्किन हमारी, तो इसलिए दही मिक्स करके या टमाटर मिक्स करके जब मुल्तानी मिट्टी को लगाना चाहिए। ये चंदन पैक लगाया है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।